हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, ई एम आर एस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि है आपकी सेकंड राउंड ऑफ डीबी को लेकर। यानी कि जो जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे ई एम आर एस के विभिन्न विभिन्न पदों पर, उनके लिए यहाँ पर पहले राउंड में जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया था, उसमें कुछ विद्यार्थी एबसेंट रह गए थे। तो इसके लिए उन्होंने दोबारा उन कैंडिडेट्स को बुलाया जो कि उस दौरान एबसेंट रह गए थे, और उनका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उनको एक और मौका यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बारे में डिटेल साथ ही साथ हम देखेंगे कि कितने बच्चे बुलाए गए हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए बुलाए गए हैं, और इनका जो डीबी है वो कब से कब तक खुल पाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो ईएमआरएस की जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाली है वो अब तक क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो चलिए पूरा कुछ आपको वीडियो डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको नोटिस दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों विद रेफरेंस टू द ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी ऑफ दिस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाज कंडक्टेड इन फरवरी। तो फरवरी के मंथ में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है। हाउएवर, सम ऑफ द कैंडिडेट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले राउंड के दौरान कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि यहाँ पर वहाँ पर एब्सेंट थे। तो समिति ने डिसाइड किया है कि जो पेंडिंग स्टेटस है ड्यू टू सर्टेन क्लैरिफिकेशन इन व्यू ऑफ द अबव, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सच कैंडिडेट फ्रॉम, जो जितने भी रह गए थे उतने उन सभी कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच यहाँ पर ये कंडक्ट कराने वाले हैं। द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द डीबी एज पर एन एक्सपर्ट, नीचे इन्होंने एक लिस्ट देखिए। ये पूरी पीडीएफ आपको जो मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी द एग्जाम हेल्पर पर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम पर या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे तो वहाँ ज्वाइन जाएंगे। इन्होंने लिखा है कि द एग्जैक्ट डेट एंड वेन्यू फॉर द डीबी विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। एग्जैक्ट डेट वेन्यू की मतलब इन्होंने बोल दिया 1 से 15 अप्रैल के बीच में, बट पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए और उस कैंडिडेट का कब डॉक्यूमेंट होगा ये कुछ आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इन्होंने एनेक्शन फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर दिया हुआ है, कितने विद्यार्थी बुलाएंगे, तो टोटल 1151 कैंडिडेट बुलाए। इसके बाद रोल नंबर दिया, इसके बाद डेजिग्नेशन दिया किस किस पोस्ट के लिए बुलाएगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, और उसके बाद प्लेस ऑफ डीबी फॉर सेकंड राउंड इन्होंने दिया रखा है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया, तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी सोशल स्टडीज, टीजीटी पीटी मेल एंड फीमेल हो गया, टीजीटी साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी आपका इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी आर्ट, टीजीटी गुजराती, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी तेलुगु, इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी तेलुगु, पीजीटी बायो। इसके अलावा जो हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट थी इसमें लाइब्रेरी आ गया, अकाउंटेंट आ गया, लैब अटेंडेंट आ गया, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, इतनी सारी पोस्ट के लिए लगभग 26 से 27 पोस्ट है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड राउंड का होने जा रहा है कब, 1 से 15 अप्रैल। इसके बाद जो भी डिटेल आएगी कि कब आपको डेट है, कितने टाइम में पोस्ट है, वो आपको जल्दी अपडेट दी जाएगी, तो जैसे ही आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब बात कर लेते जो ईएमआर जेएससी के कैंडिडेट है कि आखिरकार उनकी जो टाइपिंग है वो कब होना होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, 1 से 15 अप्रैल तक तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे पास शेड्यूल नहीं है, तो हो सकता है कि उस दौरान बोल दें कि 15 अप्रैल के बाद आपकी टाइपिंग होगी, बीच में आपको नोटिफिकेशन दें। तो ये देखिए, एक तरीके से गुड न्यूज़ भी है और एक तरीके से बैड न्यूज़, पर बैड हम बोलेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए बैड क्या, अब आपको इंतजार करना, आपको कुछ करना कि टाइपिंग होनी है आपकी। तो जो विद्यार्थी पहले सोच रहे थे कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया, टाइपिंग के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो अब उनको क्या है, एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा विदाउट बैक स्पेस। अगर टाइपिंग होती है तो आप अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। ये मत सोचिए कि जल्दी जल्दी टाइपिंग है, जल्दी हो जाएगी, अभी कुछ नहीं हो पाया तुम्हारा तो दिक्कत होगी। तो जितना मौका मिल रहा है आपके लिए गुड न्यूज़ है, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और तैयारी में लगिए, टाइपिंग को दिन रात करते रहिए। ठीक है, अभी 15 दिन और मान लीजिए कि आपके पास 15 दिन का समय और मिल चुका है। ठीक है, 15 से 20 दिन हो गए, लगभग 25 दिन अभी के हिसाब से, 20 तारीख हो रही, तो इसको गुड न्यूज़ के तौर पर लीजिए कि अभी आपको और समय मिल जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी दोस्तों। इसके अलावा कोई भी इसके रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए थे, उसमें आप लोगों ने कमेंट किए थे, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप इस वीडियो के नीचे आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।